आज जो है वो एंथनी खानजन मास्टर की किताब है, उसमें से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज हम जब पहली मुकम्मल करेंगे पहली एक्सरसाइज, तो आपको बहुत सी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, चलिए पहला पहला सवाल पढ़िए। जो तो अच्छी इसने आदो वो डैश मूवी इसका जी, जो तो आदसुई जिसने थोड़ी गर्मी है, मादो ओ डैश ई दिस्का। अब मादो का मतलब है विंडो, और इस जुमले से क्या आपको समझ में आ रहा है? गर्मी है इसलिए खिड़की खोलना बेहतर रहेगा। क्या खिड़की खोल दूँ? खिड़की खोलने की इजाज़त है। ठीक है, खिड़की खोल लूँ क्या? तो क्या होगा? अकेले और मोल लग जाए, जब इजाजत देते हैं तो आप क्या करते हैं? वर्ब की ते फॉर्म के साथ मोल लगा के ई दिस्का कर लेते हैं। तो मादो को अकेते मो ई दिस्का, ठीक है, खिड़की खोल लूँ क्या, इजाजत है क्या? ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? आके, अकेरू, अकेता, अकेते। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर आपने वो ग्रामर अच्छी तरह से की हुई है कि जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो लगाते हैं और भी ई दिस्का लगा देते हैं, तो ई दिस्का तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो इजाज़त ले रहे थे। तो जब इजाज़त लेते हैं तो क्या करेंगे? अकेते मो ई दिस्का। ठीक है, चलिए आगे चलें। कोकोनी शाशनो तो मासन तो डैश अनिमस जी, कोकोनी शाशियों तोते वा इके मासेन, यहाँ पर तस्वीर लेना मना है। तोते वा इके मासेन, शाशिन लेना या तस्वीर लेना मना है, फोटो खींचना मना है। तो डैश अरिमस, ऐसा हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है? तो खाइते अरिमस, ये हमने कल पढ़ा था कि खाइते इमस का मतलब है लिख रहा हूं, और खाइते अरिमस का मतलब है लिखा हुआ है। अरिमस का मतलब मौजूद है, खाइते लिखकर मौजूद है, लिखकर मौजूद है यानी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह फ्रिज में दूध रखा हुआ है, मैंने फ्रिज में दूध रख दिया, क्या हुआ? वतशिवा रेजो को नी ग्यू न्यू ओ ओकी मश्ता। ठीक है, वतशिवा रेजो को नी क्यों नहीं वो ओकी मश्ता, तो यहाँ पे क्या होता शिवा ओकी मश्ता, मैंने रख दिया, क्या रख दिया? फ्रिज में दूध रख दिया। लेकिन अब वो फ्रिज में दूध रखा हुआ है, फ्रिज में दूध रखा हुआ है, तो अब क्या होगा? रेजो को नी ग्यूनी वा रेजो को नी रखा हुआ है, रखने की ते फॉर्म क्या हो जाएगी? ओइते, काकु की तो ते फॉर्म क्या थी? काइते, तो ओइते और अरिम रखा हुआ है, बात समझ आई? ग्यूनी वा रेजो को नी ओइते अरिमस, दूध फ्रिज में रखा हुआ है। अगर आप कहना चाह रहे हैं फ्रिज में दूध रखा हुआ है तो भी आप इसको उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, रेजो को नी ग्यूनी वा ओइते अरिमस। ठीक है, तो वर्ब की ते फॉर्म के साथ अरिमस लगता है, इसका मतलब ये काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए और कोई मिसाल बनाएं। मैंने खिड़की खोल दी, क्या हुआ? वतशिवा मादो ओ अकेमश्ता। ठीक है, खिड़की खुली हुई है, मादो का अकेते अरिमस, अकेते वर्ब की ते फॉर्म के साथ अकेते अरिमस, मादो गा अकेते अरिमस, खिड़की खुली हुई है। मादो के साथ गा क्यों लगाया हमने? हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, लेकिन खुद से कोई काम नहीं कर सकता, तो उसके साथ हम वा की जगह गा लगा लेते हैं, मादो गा अकेते अरिमस। जैसे आमेगा फुरिमस, बारिश होगी, तो अब आमे के बाद वा क्यों लगाते हैं? वा क्यों नहीं लगाते? आमे वा फुरी मत सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं आमतौर पर आमे के बाद वा नहीं लगाते, आमे गा अरिमस, आमे गा फुरी मत। क्यों? बारिश होगी है तो सब्जेक्ट बारिश, लेकिन क्योंकि बारिश खुद से नहीं होती,
बारिश को कोई करने वाला है, इसलिए हम आमे के साथ वा नहीं लगाते बल्कि धा लगाते। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट होने के बावजूद सब्जेक्ट नहीं होते, उनके साथ हम वा की जगह गा लगाते। मादो वा अकेते अरिमस भी सही है, लेकिन मादो गा अकेते अरिमस ज्यादा सही, क्योंकि मादो जो है खिड़की वो खुद से नहीं खुल सकती, इसलिए उसको सब्जेक्ट होने के बावजूद सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात हम क्या, तो अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है काइता, काकेवा, काइते, काकू। ठीक है, तो अब लाइन ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा, काइते अरिमस ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, के कोकोनी शाशी वो थोपते हुआ ये के मासें तो काइते अरिमस। यहाँ पे तो का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है के तस्वीर में लिखते, हम उल्टा होते हैं यहाँ तस्वीर लेना मना है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यहाँ तस्वीर लेना मना है। ठीक है, तो जो के बाद आता है हम उसको बाद में लिखते हैं। जापानी क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है, यहाँ तस्वीर लेना मना है के लिखा हुआ, या के का मतलब तो हो जाए। कोकोनी शाशी को तोते वा इके नाई है इके मास है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, अब कहते हैं लिखा हुआ है कि तस्वीर लेना मना है, वो कहते हैं यहाँ तस्वीर लेना मना है तो लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्या होता है, काइते अरिमस। ठीक, मेरा ख्याल है पंखा अगर नहीं चलाएंगे तो हम गर्मी से मर जाएंगे। ठीक है, और अगर चलाएंगे तो शोर से मर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है शोर से मरना हम पढ़ चुके के बावजूद, राइट। अब शिगात्सु क्या है, नाउन है, हमने बोला कि नाउन के बाद जब नोनी आता है तो हम बीच में ना लगाते हैं। क्यों वा शिगात्सु ना नोनी, नोनी क्योंकि नाउन के बाद आ रहा है इसलिए हम ना लगाते हैं। क्यों शिगात्सु ना नोनी जी सामुकुते, सामुकुते हमने बताया था कि की वजह से जब ये एडजेक्टिव के बाद की वजह से बनाना हो तो हम ई हटा के कुते लगा देते हैं। तो वह सामुकुते मारुते डैश योदिस, मारुते डैश योदिस। ठीक है, योदिस का मतलब किस तरह का है, किस तरह है। ठीक है, योदिस हम पढ़ चुके हैं, कल हम चले नोट पर लिख, कल हम इसको लेक्चर बना के योदिस यो नी यो ना। ठीक है, योदा यो ना यो ना यो नी, इसके बारे में क्लास कल कर लेंगे ताकि आप लोगों को योग का मतलब क्लियर हो। योग का मतलब है की तरह। ठीक है, मारु का मतलब है सर्कल, ये हो गया मारु। अब इस मारु का मतलब सर्कल भी है और मारु का मतलब ऑन द होल भी है। मारु दे जब लग जाता है, मारु दे मतलब है सर्कल से, यानी ओवरऑल ऑन द होल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सर्कल को कहते हैं मारु और इसको कहते हैं बात्सु। बात्सु का मतलब क्रॉस, मारु का मतलब सर्कल। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जब आप दूर बैठे हुए लोग वोटिंग करते हैं जापान में, तो हम कहते हैं आप हाथ खड़े कीजिए, वो कहते हैं सही है तो बताइए, जो लोग सही समझते हैं बताइए, वो ऐसे करके यूँ करते हैं, सही मतलब मारु और गलत है तो ऐसे करके बात्सु। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे करीब हैं तो मैं कहूँगा ओके ठीक है सही है, और अगर गलत है तो गलत है। जापानी से बात करेंगे तो अगर गलत है तो दावे दावे कोई बात नहीं, गलत है और ठीक है तो कह दाई जो
ताइजो ठीक है। तो ठीक के लिए सर्कल बनाते हैं तो अलग के लिए क्रॉस बनाते हैं। तो जब आप करीब होते हैं तो आप दूर करते हैं सर्कल ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब दूर होते हैं सर्कल ऐसे। चलिए वासुदेव क्यों वह शिला सुनानी आज जो है वो अप्रैल का महीना है, उसके बावजूद सर्दी की वजह से ओवरऑल डैश की तरह है। क्या क्या की तरह है? फुयु नो योरिस फुयु के बाद नो लगता है, फुयु नो योरिस, फुयु नो योरिस की तरह है, सर्दी की तरह है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं सर्दी की तरह, और आप बिल्कुल जैसे सर्दी की तरह, चौथा महीना है उसके बावजूद बिल्कुल सर्दी की वजह से बिल्कुल विंटर की तरह है। अच्छा, हमारे यहाँ उर्दू हिंदी में सर्दी विंटर को भी सर्दी बोलते हैं, और जो सामुई है वो भी सर्दी उसको भी हम बोलते हैं। देखिए सामुई का मतलब है ठंड लगना, और फुयु का मतलब है, फुयु का मतलब है मौसम सर्मा, यानी विंटर, विंटर सीजन। ठीक है, ये है विंटर, और ये क्या है कोल्ड। मुझे सर्दी लग रही होता शिव सामूहिक, ठीक है, लेकिन सर्दी का मौसम है कि बाबा फुयु, ठीक है, तो फुयु और सामूहिक है। चलिए समझ आ गया आपने, मान लो फुयु नो योग दिस और कॉन्सेप्ट इसको हम कल क्लियर करेंगे। योग के ऊपर शायद एक लेक्चर पढ़ा हुआ कि योग नहीं योग ना, लेकिन हम उसको फिर क्लास में प्रैक्टिस करें। चलिए आगे चलिए, उन्नो रियोरिनो डैश कथा हो ओशिएते कुदासाई, उन्नो रियोरिनो डैश कथा, कथा का मतलब है तरीका, ठीक है, कोई काम करने का तरीका। तो इसमें वर्ब की मस्ट फॉर्म के साथ कथा लगा देते हैं, सॉरी बस वर्ब की मस्ट फॉर्म ड्रॉप करके कथा लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारा खाने का तरीका जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड है, अनातानो ताबे ताबेरू की मस्ट फॉर्म है, ताबे मस मस्ट ड्रॉप किया ताबे कथा, अनातानो ताबे कथा वा ओखाशी देश, ठीक है, उसका बोलने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। क्या हो जाएगा? कनो जो नो अनशी कथा वा और देखो अमोशनल देश, बट बोलने के तरीके से आप क्या कुछ इमोशनल हो जाएगा। कनो जो नो अनशी कथा हनासु के हनशी मस मस ड्रॉप किया हनशी पावे हो गया कथा, कनो जो नो अनशी कथा वा तो देखो अमोशनल। इस डिश के बनाने का तरीका बता दीजिए, ठीक है, सवार होना पड़ेगा, सवार होना जरूरी है। नोरा ना केरेबा नारी मासेन, नोरू का मतलब है सवार होना, ठीक है, और ये स्वारू पैटर्न के बारे में तो इसकी मस फॉर्म है नोरी मास, और नोरा ना केरेबा नारी मासेन सवार होना जरूरी है। फिर ये ठीक है जू, फिर दूसरी लाइन क्या है कुजी नी उची ओ कुजी नी वा डैश वा इके नाई, यानी घर को 9 बजे छोड़ना, देरू का मतलब छोड़ना, घर छोड़ना, ठीक है, कुजी नी उची ओ देरू। अब देरू से क्या है सवाल क्या है, अब इसमें ऑप्शन क्या है, देनक्तेवा इके नाई
पीके नाई क्या मतलब हुआ 9 बजे निकलना पड़ेगा ना केरे बार दारा नाई कुछ ही नहीं देना केरे बार दारा मास है बिल्कुल देना कितने वा पीके मास है कुछ ही नहीं चलिए बदल दें कुछ ही नहीं कुछ ही और कुछ ही नहीं कुछ ही नहीं देना देवा पीके मास है ठीक है ना ऐसे चल के पास है कुछ ही नहीं देना के देवा पीके मास है ये नहीं कर सकते का मतलब भी वही है जुड़ देना के लिए अच्छा ना के लिए बात ठीक है ना ही ना के लिए बात एक और फॉर्म है ना पूछा क्या लगने पड़ा देना पूछा दे ना पूछा कुछ ही नहीं देना पूछा ठीक है ना देना चाहिए ना ये आम तौर पर बोल रहे हैं कुछ ही नहीं देना चाहिए ठीक है ना देना पिछा लिखे ना देना पिछा देना के रे बा की शॉर्ट फॉर्म है कोलोकुअल में बोलने बोल चाल में ना के रे बा की हो जाए ना पिछा ठीक है और ना कते बा अच्छा यहाँ पे छोड़ देते हैं बालों का बोलने ना मत कुजीनी तक देना के रे बा 9 बजे नहीं निकलोगे तो अंडरस्टूड है लिखे ना लिखे मासन जरूर अंडरस्टूड जी को शुरू नोवा जवेना साई टीवी देखने के साथ साथ खाना खाना जो है उसको क्या लिखा हुआ जवेना साई यानी गिव अप कर देना छोड़ देना स्टॉप कर देना यानी मस फॉर्म इसकी हो जाएगी यानी मस ठीक है और हमने पढ़ा था कि जब हम जिसको हुक्म देते हैं तो नासाई लगा देते हैं वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करके नासाई लगा देते हैं अगर आप लोग नहीं पढ़ा तो लेक्चर में आप लोगों को कवर कर दूंगा क्लास में तो नासाई वाला लेक्चर देख लीजिएगा आसान सा सिंपली वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करेंगे और नासाई लगा ठीक है जाओ जाओ क्या करेंगे इकी नासाई इकी मस इकू की मस्ट फॉर्म इकी मस मस्ट ड्रॉप किया नासाई लगा इकी नासाई जाओ बुक कब देते हैं आप सबऑर्डिनेट को तो देते हैं और नासाई को तो टीचर अपने स्टूडेंट कह रहा है तो बॉस अपने एम्प्लॉई कह रहा है तो फौज का अफसर अपने कैप्टन को कह रहा है जूनियर सीनियर अपने जूनियर माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे हैं जी मतलब इसका आंसर सर बी होगा तेरे भी उम्मीद ना करा हाँ ना करा जब फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ना करा लगाते जब है तो पहले वर्ग के साथ पहले वर्ब की मस्ट फॉर्म ड्रॉप करते हैं और नगारा लगा देते हैं तेरे भी हो मी मस्ट ड्रॉप किया मी नगर टीवी देखने के साथ साथ खाना खाना जो है शोकू जी को सुनो हो या मैं नसाई खाना खाने के साथ साथ और टीवी देखने के साथ साथ खाना खाना छोड़ जो को डैश करा तेगामिनो एनजीओ काको तो खाको तो वैसा सोच रहा हूँ वैसा कर दूँ ठीक है तो बाशो फॉर्म जो है वो हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दूँ बाशो फॉर्म का मतलब नहीं कि आओ ऐसा करें लेकिन
माशो कौम के साथ जब तो उमोई मसम लगाते हैं तो उस वक्त भी लगाते हैं जब हमें ये कहना होगा यार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दूँ। ठीक है, क्या रुको भाई साहब करा तो देगा ओ एन जी ओ खाको तो उमोई बस मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रैवल एजेंसी है उसकी तरफ से जो ख़त आया है उसकी उसको जवाब नहीं दूँ उसका जवाब नहीं दूँ। क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन? सर खंगाए खंगाइते खंगाए खंगाइता जैसे अच्छा नहीं है तकाई, ठीक है तकाई ले क्या नेगेटिव, अगर हमें कहना है तका तो नहीं तो नेगेटिव बना कर जाने ही हटा दे तो नहीं लगा दे, लेकिन ई ई जो है ई का मतलब ओके ये भी ई एडजेक्टिव है लेकिन इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम इसको ड्रॉप कर दें इकू नाई नहीं मिले तो फिर हम क्या करते हैं यो ही लेते ई और यो ही सेम मतलब दोनों का मतलब ओके ठीक सही अच्छा। ठीक है तो अब हम जब हम इसकी कोई भी और दूसरी फॉर्म लेनी होती है ई वाले एडजेक्टिव की तो हम क्या करते हैं यो ही से लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं है तो हम ई को ना ही नहीं कहते हम क्या कहते हैं योगुनाइजेस अच्छा नहीं है। ठीक है अच्छा हमने पढ़ा था ई एडजेक्टिव के बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो क्या करते हैं ई हटा के कू लगा देते हैं। ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि खूब सोच के मैं सोच रहा हूँ जवाब देना योगु खंगायु खंगायु का मतलब है सोचना और फिर क्या है लिखा हुआ है करा। ठीक है योगु अब यहाँ खंगायु वर्ब है जो हमने ऑप्शन देखने की क्या लगाना है खंगायु का मतलब मतलब है गौर करना फिक्र करना ताबिज पट का वर्ब है तंगायु खंगायु के करा हेंजी शिमस हेंजी का मतलब जवाब और शिमस मतलब करना खूब सोच के जवाब होगा दो वर्ब है इसमें सोचना और फिर जवाब देना हम पढ़ चुके हैं कि एक वर्ब करके दूसरा वर्ब करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले वर्ब की क्या करते हैं ते फॉर्म लगाते हैं एक तरीका इसकी ते फॉर्म लगाते हैं एक तरीका ये इसकी ते फॉर्म के बाद करा लगाते हैं और एक तीसरे ऑप्शन क्या है उसकी उसकी ता फॉर्म के बाद अतो के लगा। ठीक है आप इसको ये कह सकते हैं योगु अब योगु क्यों हो गया यो ही क्यों नहीं हो इसलिए कि खंगायु वर्ब है और उससे पहले ई एडिक्ट हुआ तो उसका ई ड्रॉप करके क्यों लगा देता योगु खंगायु अब सोचेगा और सोच के सोच करके जवाब देगा पहला वर्क करने के बाद दूसरा वर्क करेगा तो हमने क्या कहा था कि जब एक वर्क करने के बाद दूसरा वर्क करते हैं तो उसकी तीन तरीके होते हैं पहले वर्क की देखो लगाते या दूसरा तरीका है कि पहले वर्क की ये फॉर्म के बाद करा लगा देते हैं और तीसरा तरीका ये है कि वर्क की ता फॉर्म के बाद अतो भी लगा तो क्या हो जाएगा कि योगु खंगायता अतो दे हेंजी शिमस अगर यहाँ पे अतो दे लिखा होता तो हम फिर क्या करते खंगायता ता फॉर्म लगा यहाँ पे क्या है करा है तो हम क्या लेंगे कितने फॉर्म के साथ करा तो क्या हो जाएगा कि योगु खंगायते करा क्लियर है पॉइंट साइलेंट आप बोल लीजिए जी आप आ आप चलिए आगे कोनो पेन पर तोते मो डैश या सुई कोनो पेन पर तोते मो डैश डैश या सुई ना अब देखें ये भी आपको पढ़ चुके अभी सर ये एक्सरसाइज जो अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उस सब का रिवीजन ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ ली है कोनो पेन पर तोते मो डैश या सुई इसी मिटा दो मैं ठीक है ये मेरी पुरानी कमीज बहुत काम आ रही है चलिए कोनो पेन वा तोते मो का मतलब क्या है बहुत ज्यादा डैश या सुई
यासुई क्या मतलब है? सस्ता। अगर डैश ना हो तो क्या हो जाएगा? कोलम में खुदम हो जाएगा। यासुई दिस, ये पेन बहुत सस्ता है। लेकिन कोलम के बाद डैश है, और डैश में ऑप्शन क्या क्या है? सुकाई, सुकाई, सुकत्ते, सुकत्ते, सुकत्ता, सुकत्ता, सुकाओ, सुकाओ। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सुकत्ता भी अच्छा, सुकाओ, सुकाओ भी अच्छा। आप चारों ऑप्शन ले लेगा, सुकत्ते आपके लिए, सुकत्ते ये जीत गए। क्योंकि आप तीनों का गलत हो गया, आप तीनों के जो बच गया वो इनका हो गया। देखिए हमने पढ़ा था यासुई और नीकुई, पढ़ा था उसका फार्मूला क्या था? वर्ग की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके यासुई लगा देते या नीकुई लगा देते, क्या हो जाएगा? सुकाई यासुई, ठीक है। सुकाई यासुई इस इस्तेमाल करने में आसान है, ये पेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में आसान है, ये बहुत ज़्यादा इजी दिखता है। तो फार्मूला क्या है? यासुई दिस वर्क की बस मामले से बस ड्रॉप करके यासुई दिस लगा देंगे तो ऐसा करने में आसान है, इसका ऐसा करना आसान है। और अगर इसको कहना मुश्किल है तो क्या रहेंगे? इसका ही नी हुई दिस, ठीक है। जापानी जुबान बोलने में आसान है, निहोंगो का हानासु अब इसमें आपको छोटी सी बहुत चीज बात बता रहा हूँ, निहोंगो का योमी नी कुई दिस, जापानी जुबान पढ़ने में मुश्किल, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ जापानी जुबान पढ़ने में मुश्किल होने की वजह से मैं नहीं पढ़ना चाहता, अब क्या हो जाएगा? जापानी जुबान मुश्किल होने की वजह से, अभी कल ही पढ़ा है, निकुप्ते कोई का मतलब है मुश्किल, ठीक है। मुश्किल होने की वजह से क्या हो जाएगा? ई ड्रॉप करके नोनी लगता है नाउन और एडजेक्टिव के साथ, ई एडजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं? वजह से लगाने के लिए ई हटा के पुते लगा। निहोंगो गा योमी नी कुकुते वताशी वा नराई कातु नाइदिस, नराई कातु नाइदिस या अरिमा से नराई कातु अरिमा से, ठीक है। ये बात मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको कि नाइदिस इक्वल टू, नाइदिस इक्वल टू अरिमा से, ठीक है। न करता दिस क्या हो जाएगा? न करता दिस है अरिमासेन देशता, और जा इज इक्वल टू देव, ठीक है। आगे चले, ये सब आपका रिवीजन हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक ही लेक्चर में हो रही है, आपके थक तो नहीं हो रहा? तो नहीं आप क्या देखना मूवी देखना किया, और क्या किया? काइमोनोनी इकु होता है शॉपिंग के लिए जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? काई मोनोनी, अब दो काम एक साथ ही होता है। इतवार को मैंने जो है क्या क्या काम किए? शॉपिंग के लिए गया और फिल्म देखी। तो हम क्या करते हैं कि जब दो तीन काम एक दूसरे में इस्तेमाल करने होते हैं तो हम क्या करते हैं उसकी तरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं।
और तरी फॉर्म कैसे बनती है वर्की ता फॉर्म में री लगा देते हैं। नीरू की ता फॉर्म क्या है? नीता, नीता री हो जाएगा। ये क्या होगा? पूछ लूंगा गलत दिया तो हर सवाल के जुर्माना 100 रुपए। चलिए आगे। ये किताब खत्म कर ले तो जरूर वापस कर दीजिए, खाइश्ते को दसाई वापस कर दीजिए। अब क्या खत्म कर ले ये हम पढ़ चुके हैं, इसका भी वही तरीका है कि कोई काम खत्म कर लेना या कोई काम शुरू कर देना तो पहले वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करते हैं तो ओवारू या आजिमेरू लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे किताब की बात हो रही है तो योमू हो जाएगा, तो योमू की मस्ट फॉर्म क्या है? योमी मस्ट ड्रॉप क्या है? योमी ओवतारा कोनो फॉर्म हो योमी ओवतारा जे ही खाइशते कुदसाई। ठीक है, मैं ये पिज्जा खाकर खत्म कर दूंगा, पता शिवा कोनो पिज्जा हो ताबे ताबे ओवानी मस ओतर खाकर खत्म कर दूंगा ताबे ओवारू। ठीक है, ताबेरू की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप किया। ठीक है, उसने वो बोतल पीकर खत्म कर दी। पीना और खत्म कर देना तो पीना का कहते नोमू। नोम की मस फॉर्म क्या है? नोमी मस। तो आपने मस ड्रॉप किया नोमी ओवत्ता करे वा उसका के वो नोमी ओवत्ता तो शराब पीकर खत्म कर दी। ठीक है, अच्छा मैंने जापानी सीखना शुरू कर दी, मैंने जापानी जबान सीखना शुरू कर दी। बता शिवा नोम को वो नाराऊ या मनाबू। मनाबू की मस फॉर्म क्या है? मनाबू की मस फॉर्म नाराई मस। हाजी मेरू वतशिवा निहोंगो वो मनाबी हाजी नेता। मैंने जापानी जुबान सीखना शुरू कर दी, मनाबी हाजी नेता। ठीक है, उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। करे वा वतशिनो होनी मी हाजी नेता। नीरू की मसवा मी मस बस वक्त किया मी हाजी नेता। ठीक है, उसने भागना शुरू कर दिया। करे वा मानी क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। हाशिबू कौन सा पैटर्न है? ताबेरू पैटर्न। फिर मस्तों क्या हो जाएगी? हाशिरी मस। मस ड्रॉप कर दिया, क्या लग गया? उसने भागना शुरू कर दिया। करे वा हाशिबी हाजी में मस्ता। क्या करे वा हाशिबी हाजी में था। बात आ जाएगी काफी आज के लिए ना। चलिए इसको हम यहीं तक खत्म करते हैं। शब्द जी जेही जरूर। अच्छा चलिए हम इस पर लेक्चर करेंगे, जेही और खाना राजू पे भी एक लेक्चर करेंगे। लेकिन खाना जेही और खाना राजू में जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, हम कल इस पर भी एक लेक्चर करेंगे। ठीक है, और शपथ गया वाला जो सीन है वो मुझे इसलिए अच्छा याद था, मुझे फिल्म याद भी आ रही थी, वो तबाह से आ गई नजर आ गई। फैमिली मूवी अमिताभ बच्चन की, उसका आखिर के समय, और उसमें वो कहता है शपथ गया।
फिल्म की स्टोरी पूरी मैं नहीं बताऊँगा, खुद देखिए, बड़ी अच्छी फिल्म है और अमिताभ बच्चन बुढ़ापे में भी वापस जरूर करें। चलिए फैमिली फैमिली ठीक है, तो इसलिए तो खत्म करते हैं इस पर।